हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करते हैं बेसिक ट्रैफिक लाइट पोजिंग यूजिंग ADD नहीं ADD5। देन सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हमें जिन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी हम उनमें नजर डालते हैं। तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, फिर ADD नहीं, फिर स्लाइडर स्विच और फिर 3 डिफरेंट कलर की LEDs और फिर एक बैटरी। सो अब हम देखते हैं इसका कनेक्शन पार्ट। सो ये जो हमारे 3 रजिस्टर हैं ये हमारे ADD की PB2, PB1 और PB0 से कनेक्ट हैं, और ADD का जो पावर पिन है ये हमारे पॉजिटिव पिन और बैटरी से कनेक्ट है। और उसके बाद फिर ये जो हमारा स्लाइडर स्विच है, स्लाइडर स्विच की कॉमन पिन हमारे इस टर्मिनल 2 रजिस्टर से कनेक्ट है, और इस टर्मिनल 2 जो स्लाइडर स्विच का है ये हमारा PB5 से कनेक्ट है, और ये जो टर्मिनल 1 है हमारा ये निगेटिव पिन बैटरी से कनेक्ट है। उसके बाद फिर हम आते हैं LED कनेक्शन पार्ट में। LED में हमारे 2 पिन होती हैं, पहली होती है कैथोड, दूसरी होती है एनोड। तो हमारी जो कैथोड पिन है ये हमारी बैटरी से कनेक्ट है, और जो एनोड पिन है ये हमारे रजिस्टर से कनेक्ट है। ये जो ऊपर 3 रजिस्टर दिए गए हैं इस तरह सिमिलर है, दोनों LED कनेक्ट हैं। सो ये हमारा कनेक्शन पार्ट था। अब हम बात करते हैं कोड पार्ट की। सो ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड C++ लैंग्वेज में बेस्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पे int pin इक्वल टू 0, यहाँ पे हम पिन 0 की वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे अभी 0 ही वैल्यू है, फिर जैसे हम इसको 1 लाइक एज 1 और 2 डालेंगे वो चेंज होती रहेगी, तो अभी के लिए हम इसको 0 ही रखते हैं। फिर हमारा वाइड सेटअप है, वाइड सेटअप में पिन मोड 5 आउटपुट, पिन मोड 3 इज इनपुट, पिन मोड 0 इज आउटपुट, पिन मोड 2 आउटपुट, पिन मोड 1 इज आउटपुट। यहाँ पे जो पिन 3 है, PB3 है, ये इनपुट है, और बाकी जितने पिन हैं ये सारे आउटपुट पिन हैं। उसके बाद हम वाइड लूप की बात करते हैं। वाइड लूप में डिजिटल राइट 5 हाई, मतलब PB5 हाई, और PB5 पिन किससे कनेक्ट है, हमारा स्लाइडर स्विच से कनेक्ट है। तो मतलब जब उसको हम हाई करेंगे तब क्या होता है देखते हैं। इफ़ डिजिटल रीड 3 ।1, यहाँ पर हम वैल्यू कितनी दिए हैं, 1 दिए हैं। एक देने के बाद हमारा क्या हो गया है, पिन 0 लो हो गया है, ठीक है। पिन 0 मतलब ऑफ, ये नहीं चलेगा। डिजिटल राइट 2 इज हाई, मतलब जब हम उसको हाई करते हैं PB5 को हाई, मतलब स्लाइडर स्विच जब हमारा हाई होता है तब पिन 0 हमारी लो हो जाता है। तो हमारा 2 जो PB2 है, मतलब PB2 से जो हमारा रजिस्टर कनेक्ट है और रजिस्टर के टर्मिनल 1 से जो हमारी LED कनेक्ट है वो हमारी जल जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा कि जो दूसरा लूप है, इफ़ डिजिटल रीड 3 ।1, 0, तो हमें यहाँ पे 0 वैल्यू दिए हैं, तो डिजिटल राइट 2 लो, यहाँ पे मतलब दूसरी पिन लो हो गई है, मतलब ऑफ हो गई है, और पिन 0 ऑलरेडी लो है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल 1 इज हाई, मतलब जो PB1 से जो रजिस्टर कनेक्ट है और उस रजिस्टर से जो LED कनेक्ट है वो हमारी जल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, डिले 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद हमारा डिजिटल राइट 1 इज लो हाई है, उसके बाद पिन 0 इज हाई, मतलब जो वेट 3 सेकंड के बाद जो LED जलेगी वो PV0 से जो रजिस्टर कनेक्ट है और रजिस्टर से जो LED कनेक्ट है वो LED जलेगी, यहाँ क्योंकि यहाँ पिन 0 हाई हो गया है। हाई मतलब LED का जलना और ऑफ, लो मतलब LED का ऑफ होना। सो ये हमारा कोडिंग पार्ट था। अब हम देखते हैं सिमुलेशन पार्ट को। तो ये हमारा सिमुलेशन है, जब हम इस PV5 को हाई करेंगे तो ये हमारी एक LED जल गई, और जब हम इसको लो करेंगे तब हमारी एक LED जल गई, और अकॉर्डिंग टू आवर कोड 3 सेकंड बाद ये हमारी LED जल गई। सो ये हमारा सिमुलेशन पार्ट था। सो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा हुआ होगा। थैंक यू।